Hello and Assalamu Alaikum. This is Zahid and you are watching Voice of Liberia YouTube channel. आज Voice of Liberia के YouTube channel पर जिस मेहमान शख्सियत को हमने दावत दी है वो लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में अपना लोहा मनवा चुके हैं। पहले एक फॉर्मल से इंट्रोडक्शन मैं उनका दूंगा, फिर सबसे ही थोड़ा सा उनको इंट्रोडक्शन करवाएंगे। लाइब्रेरी प्रोग्रामिंग में महारत, लीडरशिप की खासियत, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग के ट्रेनर, लाइब्रेरी में नई असलाहत के ख्वाहां, इनोवेशन और मोटिवेशन फ्राहम करने वाले एक लीडर, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं नूर नूरुद्दीन मर्चेंट साहब। और आज मैं अपने चैनल पर उनका खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, सर कैसे मिला आपसे? आपने मेरा जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कराची में इस वक्त गर्मी बहुत है, आपको जैसे पता है, तो इस वक्त तो खैर मैं ऑफिस में हूँ तो इसलिए मुझे इतना अंदाजा नहीं है। बाहर निकलूंगा तो फिर मुझे पता चलेगा कि असल में कैसी गर्मी है। जी जी सर। सर पहले क्वेश्चन से मैं शुरू करता हूँ कि आपकी बेसिक तालीम, सर इब्तदाई तालीम जो है उसके बारे में हमें बताइएगा। पूरा एकेडमिक कैरियर जो आपका शुरू हो उसे ब्रीफली थोड़ा सा कर दीजिए। जी मैं आपको शुरू में ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं कुछ उन खुश किस्मत लोगों में से हूँ कि जो डिग्री के हवाले से, यानी हमारी जो प्रोफेशनल एजुकेशन है उस हवाले से वो उनके पास तजुर्बा पहले आ जाता था और उसको तजुर्बे को साबित करने के लिए डिग्री लेनी पड़ती थी। तो अल्लाह का ये बहुत करम है कि जो भी मेरा तालीमी सफ़र रहा है उसमें मैं इंटरमीडिएट से बेसिकली जॉब कर रहा हूँ, डेटा एंट्री ऑपरेटर से मैंने स्टार्ट किया था और कुछ फैमिली की वजह से चीज़ें ऐसी थी जिसकी वजह से मैं फुल टाइम पढ़ाई नहीं कर सकता था। मैंने अपना इंटर मैट्रिक जो है वो आखन स्कूल से किया है कराची से, फिर उसके बाद गवर्नमेंट दिल्ली कॉलेज से मैंने अपना जो है वो मास्टर्स सॉरी इंटरमीडिएट किया सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में, और फिर गाहे बगाहे जो है वो मैंने कंटिन्यूस एजुकेशन नहीं ले सका था जैसे मैंने जिक्र किया। तो फिर 3 साल बाद जो है वो मुझे मौका मिला तो मैंने अपना बीकॉम कंप्लीट किया। फिर तकरीबन कोई 7-8 साल बाद मैंने एजुकेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में मास्टर्स किया। फिर लाइब्रेरी साइंस में तकरीबन 2012 में मैंने मास्टर्स किया, और मेरे दोनों मास्टर्स जो हैं वो ऑनलाइन सॉरी डिस्टेंस एजुकेशन से हैं। सो पढ़ाई के साथ साथ काम भी चल रहा था तो इस तरह से ही जो है तालीम का सफर चलता रहा, और क्योंकि तजुर्बा साथ साथ मिल रहा था चीज़ों का तो उससे बड़ी मदद मिल गई, आसानी हो गई चीज़ों को समझने में और उसको उस पर काम करने में असाइनमेंट्स के हवाले से, पढ़ाई के हवाले से। तो बाकी एक और छोटा सा एग्जीक्यूटिव MBA किया था वो भी इवनिंग क्लासेस। सो सिलसिला को इस तरह से ही रहा कि अपने काम को और बेहतर बनाने के लिए या उसको जस्टिफाई करने के लिए मुझे मैंने डिग्री ली लेकिन बाद में ली है। सर ये हमारी फील्ड के रिलेटेड एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है यूजुअली कि आप बाय चॉइस आए थे या किसी के उस पर आए थे, रिकमेंडेशन पे कोर्स बोले या इस तरह, क्योंकि आप बड़ी अच्छी फील्ड की तरफ जा रहे थे फाइनेंस वाली या मार्केटिंग बिजनेस में। देखें मैं इसमें बाय चॉइस तो नहीं आया हूँ, लेकिन मुझे किताबों का शौक था, किताबों के मुताले का शौक। ये मेरे वालिद साहब की वजह से मेरे अंदर ये आया था कि वो मुझे बचपन में बहुत सारी किताबें स्पेशली छोटे बच्चों के मैगजीन ला कर दिया करते थे। सो मैं इसमें बाय चॉइस नहीं आया हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी में मुझे कुछ साथ ऐसे मिले जिन्होंने मुझे किताबों के मुताले की तरफ रागब किया। मैं खुद अपनी जो कम्युनिटी है उसके अंदर शाम में एजाजी तौर पर टीचिंग करता था, तो अगर टीचर हो और उसके पास किताबों का इल्म ना हो और उसके अंदर वो जस्तजू ना हो तो फिर उसको लगता है कि वो आउटडेट हो जाता है। सो किताबों से शायद रगबत और लगाव या रीडिंग या मुताले से रगबत और लगाव की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस फील्ड में आया हूँ। ईमानदारी की बात है, इंटर में जब थे प्री इंजीनियरिंग कर रहे थे तो सोचा था कि मैकेनिकल इंजीनियर बनेंगे, लेकिन अब जो मेरा कैरियर है इस वक्त वो लाइब्रेरी साइंस में, और मैंने ये कैरियर जो है वो मिड कैरियर लेवल पे ज्वाइन किया है, यानी कि ऑलमोस्ट मेरी उम्र 40 इयर्स की हो गई थी उस वक्त मैंने कैरियर जो है वो ज्वाइन किया प्रोफेशनली।
जी आगे चलते हैं। जाहिर साहब आवाज आ रही है आपको? सर सॉरी फॉर इंटरप्शन, आई थिंक कोई नेटवर्क इशू आ गया था जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो गया। जी, कोई बात नहीं, अंडरस्टैंड ही होता है। जी जी सर, मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ कि आपने सर जैसे आगा खान यूनिवर्सिटी के अंदर इंटरटेक के साथ काम किया हुआ है, तो उसमें आपने काफ़ी जाहिर सी बात है सीखने को चीज़ें मिली होंगी। तो सर इसमें मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि इंटरटेक को माइंड में रखते हुए आप LIS फील्ड के साथ इसको कैसे मर्ज करेंगे या कैसे वो करना चाहेंगे, कैसे आप ट्रेनर्स को सिखाते थे, इस तरह का सर थोड़ा सा शेयर कीजिए एक्सपीरियंस। अच्छा, जो आखन एजुकेशन सर्विस पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान में स्कूल्स हैं, ये सबसे बड़ा इदारा था उस जमाने में जिसके पास 300 से ज्यादा स्कूल्स हैं। और मैं साउथ के ऑपरेशंस में एज ए टीचर एजुकेटर काम करता था उस जमाने। और मुझे जिम्मेदारी दी गई थी कि क्योंकि आखन स्कूल्स, आखन एजुकेशन सर्विस हमेशा से पाइनियर रहा है टेक्नोलॉजीज के हवाले से, जब भी कोई नई इनोवेशन आती है तो उसको इम्प्लीमेंट करने के हवाले से, तो मुझे जिम्मेदारी दी गई थी कि मैं वहां पर असाज़ा की ट्रेनिंग का हिस्सा करवाऊं कि टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करते हैं सीखने के मकासद के लिए। जो आजकल हम ऑनलाइन टीचिंग और लर्निंग देख रहे हैं, असल में वो आखन स्कूल में बहुत अरसे पहले, आज से कोई 10-15 साल पहले शुरू किया जा चुका था। सो उसके तहत हमारी पार्टनरशिप थी इंटेल के साथ, और इंटेल का एक प्रोग्राम है टीश के नाम से, जिसमें असातिज़ा को जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं उन सब्जेक्ट्स के ऊपर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी जाती थी कि अगर मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ या ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ तो मैं किस तरह से उसके अंदर टेक्नोलॉजी के एलिमेंट्स को लाकर उसको बहुत इंटरेक्टिव कर सकता हूँ। सो ये तो उस वक्त हमारी जिम्मेदारी थी कि हम सारे असातिज़ा को ट्रेन करें, उस पर काम करें। फिर इसका दूसरा फेज यह आया कि आखन स्कूल्स के सारे कराची के कैंपस में लाइब्रेरीज और कंप्यूटर लैब रेनोवेट हुई, और फिर ये सवाल आया कि अब क्या करें, टेक्नोलॉजी लाइब्रेरी भी रिनोवेट हो गई, टेक कंप्यूटर लैब भी रिनोवेट हो गई, अब इसमें करना क्या है। तो उस हवाले से फिर मुझे दोबारा जिम्मेदारी दी गई कि अब मैं लाइब्रेरियंस के साथ, कंप्यूटर टीचर्स के साथ मिलकर जो है वो उनकी मदद करूं कि वो बच्चों की कैसे मदद कर सकते हैं कि लाइब्रेरी और टेक्नोलॉजी से कैसे सीखा जा सकता है। पाकिस्तान में ज्यादातर कंप्यूटर का एक पीरियड होता है, लाइब्रेरी का एक पीरियड होता है। हमने इस बात को चैलेंज किया कि लाइब्रेरी और कंप्यूटर लैब रिसर्च की जगह है, तो ये बहुत जरूरी है कि इनको एज ए रिसर्च स्पेस देखा जाए, चाहे वो स्कूल की लाइब्रेरी क्यों ना हो, और उनको ओपन कर दिया जाए, उसमें टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को लेकर आए, तो टीचर की जिम्मेदारी हो कि वो लाइब्रेरियन और जो कंप्यूटर टीचर है उसके साथ मिलकर बच्चों को से ये स्पेसेस बुक करें, ये वाले जो लैब और लाइब्रेरी। सो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी इंटेल वाले प्रोग्राम में, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का कॉन्सेप्ट था, जिसमें बच्चों को असल जिंदगी, रियल लाइफ में जो प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं उस पर कैसे काम किया जाए, उसमें टेक्नोलॉजी कैसे मुआविन साबित हो सकती है। सो अगर आप इसको लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस से रिलेट करने की बात करें तो लाइब्रेरी प्रोफेशन में भी बहुत सारी ऐसी चीजें मौजूद हैं, ऐसे अवामिल मौजूद हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं जिस पर रियल लाइफ में काम करवाया जा सकता है, प्रोवाइडेड कि उसके लिए पहले लाइब्रेरी रेडी हो और उस उन प्रोजेक्ट्स को अंडरस्टैंड करके और उन प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के हवाले से अपनी जो है वो इजहार करें आमादी का। सर इसी के साथ एक और मैं वो करना चाहूँगा रिलेट के, एक होता है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। तो ये सर हमारे प्रोफेशन में आप इस चीज़ को नहीं देखते कि LIS के साथ इसमें थोड़ा सा इसको उठाने की ज़रूरत है या तवज्जो देने की ज़रूरत है इसके? जी बिल्कुल, देने की जरूरत है। और इसमें जो एक बहुत ही
बेसिक सी अप्रोच है वो केस स्टडी अप्रोच यूज होती है, जिसमें स्टूडेंट्स को सीखने सिखाने के अमल के दौरान जो है वो केस स्टडीज दी जाती है। सो अगर हमारा LIS का करिकुलम उसमें अगर एक गुंजाइश पैदा की जाए कि किसी तरह से ये केस स्टडी अप्रोच ले आई जाए, उसको स्टूडेंट्स को फिर मौका दिया जाए कि उस पर ग्रुप पे काम करके उसके सॉल्यूशंस को ड्राइव करें, और एक लेवल इसका ये भी कि किसी असल लाइब्रेरी का जो चलती हुई लाइब्रेरी उसका कोई प्रॉब्लम दिया जाए स्टूडेंट्स को, और उनको कहा जाए कि आप इस प्रॉब्लम के हवाले से आप न सिर्फ रिकमेंडेशन है बल्कि आप उसके हवाले से क्या टूल्स प्रपोज करते हैं, क्या तरीके कार प्रपोज करते हैं जिस पर उसको काम करके सर्विसेज को बेहतर बनाया जा सकता है। इस पर बहुत काम करने की जरूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में खुसूसन अगर मैं सिंध की बात करूँ तो LIS स्कूल्स बड़े डिटैच्ड हैं प्रैक्टिकल लाइब्रेरी चलाने के मामला से। सो इसमें अगर एक इल्हाक मुमकिन हो सके लाइब्रेरी स्कूल्स का और प्रैक्टिकल इंस्टीट्यूशंस का, तो फिर ये पॉसिबिलिटीज बिल्कुल हो सकती हैं। सर इसमें आगे मैं प्रोसीड करता हूँ कि जैसे कि आपको पता है ये 21st सेंचुरी स्मार्ट स्क्रीन का दौर है, सर इसके अंदर आप कहाँ देखते हैं पाकिस्तान का फ्यूचर LIS की फील्ड के अंदर, कि जो पढ़ाते आ रहे हैं उसमें तो सर अभी भी तो बता रहे होते हैं कि फर्स्ट इंटेंशन के बाद आप देखना शुरू करेंगे ये पंचुएशन यूज़ करेंगे, मतलब सर सारा IT की तरफ प्रोसीड करती जा रही है दुनिया, हम अभी तक उसे सर ACR2 को ही लेके बैठे हैं, इससे थोड़ा सा बताइएगा। देखिए मैं इस सवाल के हवाले से पहले एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं करता हूँ कि लाइब्रेरी का विजन क्या है, ठीक है, लाइब्रेरी होती क्यों है, ठीक है ना, और उसके विजन को अगर मैं अंडरस्टैंड कर लूँ और समझ लूँ तो फिर मेरे लिए ये बाकी चीजें सेकेंडरी हैं। हमारे यहाँ ज्यादातर जो LIS में स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप को टेक्नीशियन समझ के काम करते हैं, कैटलॉगिंग क्लासिफिकेशन, विच इज फाइन, इसमें कोई एतराज नहीं है, उनके पास वो स्किल होनी चाहिए, लेकिन उन सब का लाइब्रेरी के पेटर्न्स के लिए क्या किस तरह से वो असरअंदाज होती है, क्या फायदा होता है। सो हमने जब लाइब्रेरीज के साथ काम शुरू किया तो हमने आकन स्कूल्स के साथ जब शुरू किया था काम और हबीब में भी जब शुरू किया तो हमने पहले गोल्स बनाए कि हमारी एग्जिस्टेंस की वजह क्या है, हम क्यों हैं, ठीक है, हम सिर्फ किताबें देने के लिए हैं, हम उसकी कैटलॉगिंग के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए, हमारा कोई बड़ा मकसद है। ये बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे हम में से बहुत सारे लोग अपने अच्छे वाले असातिज़ा को जिन्होंने हमारी जिंदगी में, हमारी कैरियर ग्रोथ में, हमारी पर्सनल डेवलपमेंट में बड़ी मदद की है, उनको अच्छे लफ्जों से याद रखते हैं, तो लाइब्रेरियन क्यों नहीं, ठीक है। कितने लोग हैं जो आज हम बाहर निकलो के यार ये लाइब्रेरियन जो थे इनकी वजह से आज मैं इस जगह पे पहुंचा हूं, मुझे कोई ऐसी एग्जांपल सुनने नहीं मिली, उसकी वजह है कि वो डिस्कनेक्ट है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है ना, मुझे ऐसा डिस्कनेक्ट लगता है। और डिस्कनेक्ट की वजह ये कि मैं अपना अभी तक बिजनेस नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरा ताल्लुक है उन पेटर्न्स की जिंदगी को बेहतर करना, मेरा काम है उनकी जिंदगी को बेहतर करना, कैटलॉगिंग क्लासिफिकेशन वो सारी जो नॉलेज है बहुत काम की है, लेकिन क्या ये सब कॉन्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं बच्चों की या पेटर्न्स की लर्निंग एंड डेवलपमेंट के अंदर, उनके करियर ग्रोथ के अंदर, इस डिस्कनेक्ट को समझना बहुत जरूरी है। अगर ये डिस्कनेक्ट समझ में आ जाए तो फिर हमारी बहुत सारी चीजें जो आप कह रहे हैं, फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरह से मुमकिन बनाना है, टेक्नोलॉजी से यूजर को कैसे फैसिलिट करना है, वो सब चीजें उसका हिस्सा बन जाएंगी, लेकिन ये डिस्कनेक्ट करना जरूरी है। तो आप ये देखें यहाँ जो कॉन्फ्रेंसेज होती हैं और बाहर जो कॉन्फ्रेंसेज होती हैं उसमें एक बुनियादी फर्क यही नजर आता है कि वहां पर सिर्फ टेक्नोलॉजी या टूल्स पर बात नहीं होती, वहां पर बात होती है कि हमारी लाइब्रेरी ने बच्चों की जिंदगी पर अमल दरामद करने के लिए कौन, उनको बेहतर करने के लिए कौन से प्रोजेक्ट्स किए, फैकल्टी की जिंदगियों को, उनके प्रोफेशनल डेवलपमेंट को बेहतर करने के लिए लाइब्रेरीज ने क्या किरदार अदा किया। सो हमारे यहाँ थोड़ा इस पर और तवज्जो देने की जरूरत है कि हम जो है वो इन चीजों के बारे में सोचें। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ जितनी भी कॉन्फ्रेंसेज होती है ज्यादातर वो कॉन्फ्रेंसेज जो है उसमें दो सवाल सबसे पहले एक दूसरे से लोग पूछते हैं जितने शुरुआत होते हैं, पहला सवाल पूछते हैं कौन से इदारे में है, दूसरा सवाल पूछते हैं कितनी तनख्वाह मिल रही है। ये मैं अक्सर मजाकन भी कहता हूँ लोगों को कि भाई इसके अलावा भी सवाल है कि आपकी लाइब्रेरी में आप क्या खूबसूरत काम कर रहे हैं, आपकी लाइब्रेरी कैसे आपके पेटेंट्स की जिंदगी पर असरअंदाज हो रही है, आप जो सर्विसेज दे रहे हैं ये सवाल कोई नहीं पूछता, ठीक है, आपकी जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, कितनी सैलरी मिल रही है, ये सब कॉमन होता है। तो इसलिए मेरा ख्याल ये कि विजन का एक जरूरी है इसको रिव्यू करना, कि विजन अगर है पेटर्न्स की लाइफ को बेहतर करना, उनकी जिंदगी में कॉन्ट्रीब्यूट करना,
फिर बहुत सारी चीजें मैनुअल वाली भी टेक्नोलॉजी वाली भी उसको असिस्ट कर सकते हैं। जी सर। सर आप जैसे कि अमेरिका में 1 वीक की उस पे गए थे ट्रेनिंग पे, तो उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, और उससे आगे क्या आपको फायदा और कितना आप इम्प्लीमेंट कर सकें उस एक्सपीरियंस को जो आप 1 हफ्ते में अमेरिका से ले गए हैं। हाँ जी, जैसे मैंने कहा कि आखन स्कूल्स के अंदर जब लाइब्रेरीज और कंप्यूटर लैब्स तब्दील हुई, सो और वहाँ जरूरत हुई क्या भाई हमें जो है उस पर काम करना है कि किस तरह से इन दोनों को सीखने सिखाने के मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो मेरे जो मैनेजर थे उन्होंने कहा कि भाई क्योंकि नूरुद्दीन के पास टेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड, क्योंकि मेरे पास शुरू में बिल्कुल डिप्लोमा भी था कंप्यूटर साइंस का, तो उसकी बुनियाद पर मुझे कहा गया कि अब हम आपको, हमारी पार्टनरशिप है, इंटरनेशनल इदारा है, फिलिप्स अकेडमी 300 साल पुराना इदारा है, बोर्डिंग स्कूल है, हाई स्कूल है 8वीं से 12वीं तक का, हम आपको वहाँ भेजते हैं, आप वहाँ जाके लाइब्रेरीज और टेक्नोलॉजीज को कैसे उसका इंटीग्रेशन करते हैं बाकी फैकल्टी वो देखें। तो इस सिलसिले मुझे वहाँ भेजा गया था, बॉस्टन में है, और ये मेरी जिंदगी का लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। एक बड़ी वजह उसकी ये थी कि वहां जब मैंने लाइब्रेरियन की इज्जत देखी, तो हम पंजाबी में कहते हैं उनकी टोर देखी, तो मैं तो हैरान हो गया, पाकिस्तान में तो लाइब्रेरियन को कोई पूछता ही नहीं है, पाकिस्तान में तो लाइब्रेरियन को समझा जाता है सबसे फारिग तरीन इंसान वही है। सो मैं वहां देखा था कि वहां जो लाइब्रेरी की डायरेक्टर थी वो टेक्नोलॉजी के लोग भी उससे मीटिंग करते हैं, बच्चों के साथ भी वो काम कर रही हैं, अपने स्टाफ के साथ भी कर रही है, उनको एक प्रॉपर सिस्टम का हिस्सा समझा जाता है, ठीक है ना, और उन नया सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस कराना, तो लाइब्रेरियन इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, जो नया सॉफ्टवेयर उस जमाने में ब्लैक बोर्ड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आ रहा था, तो वो अपने पास इंट्रोड्यूस कराना थी, उसकी मीटिंग लाइब्रेरी ने ऑर्गेनाइज की थी। सो मैं तो बड़ा हैरान हो गया, मैंने कहा पाकिस्तान में तो इस पर कुछ हो ही नहीं रहा। दूसरी चीज जो मैंने देखी उनकी, उस जो मेरी अब मेंटोर भी है, मेरी उस्ताद भी है, एलिजाबेथ टली नाम है उनका, और मैं अपनी जिंदगी में बहुत सारे और उस्ताद जो मेरे पाकिस्तान के अंदर लाइब्रेरी प्रोफेशनल हैं उनका भी बहुत शुक्र गुजार हूँ, जिनकी वजह से शायद मैं बहुत कुछ सीख सका हूँ, क्योंकि मेरे लिए एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन था एजुकेशन की फील्ड से प्रॉपर एक यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को चलाना और उस पर काम करना। सो पहले दिन जब मैं गया तो उन्होंने मुझे अपने पूरे दिन का शेड्यूल बताया, उसके बाद उन्होंने मुझे मुख्तलिफ इदारों के हेड से मिलवा दिया, भाई ये फिजिक्स के हेड हैं, ये केमिस्ट्री के हेड हैं, ये सोशल स्टडीज के हैं, कल से आप अपने ओन पर हैं, आपने खुद जाना है और उनसे मुलाकात करनी है, ठीक है, वो मेरे साथ हर वक्त नहीं रहती थी प्रोटोकॉल देने के लिए, और उससे जो मुझे सीखने मिला खुद से करने के वाली बात, ठीक है, कि मुझे हर डिपार्टमेंट में खुद जाना है, उनके टीचर से, उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट से खुद बात करनी है, खुद मिलना है। उन्होंने मुझे कहा था मैं इतने बजे से इतने बजे तक खाने की टेबल पे होंगी, सुबह नाश्ते की टेबल पे होंगी, आपको कुछ पूछना है तो पूछ लें। ये बड़ा इंस्पायरिंग था, एक एटीट्यूड ऑफ खुद से सीखना, ठीक है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट मुझे उनसे सीखने मिली। तीसरी चीज जो उन्होंने मुझसे पूछी थी कि आपको हमारी लाइब्रेरी में क्या मुख्तलिफ लगा, वो 8वीं से 12वीं जमात की लाइब्रेरी थी, तो मैंने कहा आपकी लाइब्रेरी में साइलेंस प्लीज का बोर्ड नहीं है, तो हंसने लगे। उन्होंने कहा जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसलिए कि लाइब्रेरीज आर कोलैबोरेटिव लर्निंग स्पेसेस, जो आज हम देख रहे हैं बहुत सारी नई यूनिवर्सिटीज और नई लाइब्रेरीज रिनोवेट हो रही है, उसमें कोलैबोरेशन पे बहुत जोर दिया है, तो मैंने कहा हमारे लिए लाइब्रेरीज आर कोलैबोरेटिव स्पेसेस। सो इसी चीज को जो है वो उन्होंने कहा जिस स्टूडेंट को अकेले स्टडी करना है, जिसको अलग से मुताला करना है, उसके लिए हमने अलग जगह बनाई हुई है, उनको अलग से मुताला करना है वो अलग जगह पे, एक हमने कुछ कमरे बना लिए जहाँ पर जाके वो अपना मुताला करें, बाकी लाइब्रेरी इज ऑल अबाउट कोलैबोरेशन। सो ये चीज मुझे बहुत, उस वक्त 2005 की बात है, ये मुझे ऑफ कोर्स सीखने मिला। चौथी चीज जो मुझे उनसे सीखने मिली वो यही लाइफ लॉन्ग लर्निंग, मुसलसल सीखते रहने का जो अमल है उसकी इम्पोर्टेंस। मैं एक दिन उनसे कमरे में गया तो वो एक ऑनलाइन वेबिनार अटेंड कर रही थी, कोर्स अटेंड कर रही थी बल्कि, मैंने कहा आप क्या क्या कर रही हैं, कहेंगी मैं अपना कोर्स अटेंड कर रही हूँ। मुझे खुशी हुई कि वो अपने बारे में, अपने आप को अपडेट करने के बारे में बहुत फिक्रमंद भी थी, उस पर कोशिश भी कर रही थी, जो मुझे ऐसा लगता है कि ये रुझान हमारे यहाँ कम है कि यार कौन करेगा, छोड़ो बस अब कोर्स भी हो गया, डिग्री भी हो गई, थोड़ा बहुत हाथ पैर मार लिया, पहुंच गया एक जॉब के ऊपर, लेकिन अपने आप को अपग्रेड करना हर फील्ड का हिस्सा बन गया, चाहे वो लाइब्रेरी साइंस हो कोई और फील्ड हो, लेकिन अपने अंदर से एक चाहत थी उनकी कि मुझे, और वो अपने जेब से पैसे दे के खर्च कर रही थी,
मुझे लगा कि हाँ ये जो 3-4 चीजें जो मैंने उनको देखा उनसे सीखी, और एक टाइम ऐसा भी आया अल्लाह के करम से कि हमने उनको पाकिस्तान बुलाया। खान स्कूल्स की हिस्ट्री में पहली बार एक ट्रेनिंग हुई 4 1 हफ्ते की, उसमें हमने आकर स्कूल के लाइब्रेरियंस और हेड्स और प्रिंसिपल्स को इनवाइट किया। ये जब जाने लगी तो हमने एक दिन सेमिनार भी करवाया, जिसमें मेरी खुशकिस्मती है कि डॉक्टर जलालुद्दीन हैदर कीनोट स्पीकर थे, मरहूम मैडम मलाहत कराची यूनिवर्सिटी की चेयरपर्सन भी थी, फैकल्टी लाइब्रेरी साइंस की, वो भी उसके सेमिनार में थी। पाक लैब उस जमाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट और प्लेटफॉर्म था लाइब्रेरियंस की प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए टेक्नोलॉजी के हिसाब से, उसके राना इकबाल अजमल खान। हमने सेमिनार करवाया ताकि हम लोगों को, टीचर्स को, लाइब्रेरियंस को बताएं कि असल में लाइब्रेरियन का किरदार अब ये नहीं है कि वो सिर्फ किताबों में की टैगिंग करता रहे, बल्कि उसका किरदार उससे आगे है, उन किताबों का इस्तेमाल। इन्होंने मुझसे पूछा एलिजाबेथ ने, एक कामयाब लाइब्रेरी की पहचान क्या होती है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, आप बताएं, मैं तो लाइब्रेरी में कभी काम ही नहीं किया, मुझे क्या पता। उन्होंने कहा एक कामयाब लाइब्रेरी की पहचान ये होती है कि जब उसकी किताबें बाहर हों शेल्फ से। मैंने कहा बिल्कुल सही है, तो यहाँ बहुत सारी लाइब्रेरीज तो किताबों को शेल्फ में जमा करके रखना चाहती हैं, बल्कि बाहर नहीं देना चाहती। तो किताबें जितनी बाहर होंगी उतनी उस लाइब्रेरी की वो सक्सेस है। सर एक टर्म और यूज होती है लाइब्रेरी रिफॉर्म प्रोग्राम ना, सर ये क्या चीज़ है और पाकिस्तान में इस पे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं लाइब्रेरी? देखें, जो हमने तजुर्बा किया आकन स्कूल्स के साथ, उसमें मैं ये मजाक में टर्म यूज करता हूँ, हमने लाइब्रेरियंस की ब्रेन वॉशिंग की थी। हमारे पास 8 लाइब्रेरी स्टाफ थे और उनकी हमने ब्रेन वॉशिंग की थी। ब्रेन वॉशिंग इस तरह से कि उनको भी समझाया था कि भाई काम क्या है हमारा, ठीक है। लाइब्रेरीज अंग्रेजी में कहते हैं शुड बी, स्कूल की लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी शुड बी हैपनिंग स्पेस, यहाँ हर वक्त कुछ ना कुछ होते रहना चाहिए, ठीक है। एक पीरियड दिया हुआ है हमने, उसमें बच्चे आके किताबें चेक इन चेकआउट कर लेते हैं, इसके अलावा लाइब्रेरी और लाइब्रेरियन शुड बी द पर्सन हु शुड बी वेरी क्लोज टू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के साथ उसको काम करना जरूरी है। सो हमने पहले उनके साथ एक पूरा ये प्रोसेस चलाया कि भाई रिविजन करो अपने काम को जरा देखो, और कैसे उस काम को आप बेहतर कर सकते हैं उसकी मार्केटिंग करके, ठीक है। उसके ऊपर आप जो है वो प्रेजेंटेशंस दे के, उस पर आप डेटा जमा करके, कि उस डेटा के थ्रू आप सबको कन्विंस करके देखो हमारी लाइब्रेरी ये काम कर रही है। हमारे यहाँ बहुत कम ऐसी लाइब्रेरीज हैं जो बताती हैं, हर महीना रिपोर्ट करती हैं कि भाई हमने इतने रिसोर्सेज यूज हुए लाइब्रेरी के, हमने ये वाले प्रोग्राम्स कराए, ये वाले इवेंट्स कराए, और लाइब्रेरियन उसके अंदर खुद एक्टिव हो, ठीक है। सो ये रिफॉर्म प्रोग्राम एक तो उसका ये पार्ट था। दूसरा पार्ट ये था कि हम सबका एक सालाना अप्रेजल होता है। सो हमने कहा था कि लाइब्रेरियन का अप्रेजल भी तब्दील होना चाहिए, उसके अप्रेजल में ये होना चाहिए कि उसने महीने में कितनी फैकल्टी की मीटिंग्स अटेंड की। हालांकि स्कूल लाइब्रेरीज में उस पर कॉन्सेप्ट नहीं था कि लाइब्रेरियन को फैकल्टी मीटिंग में बुलाया जाए, लेकिन हमने कहा उनको बुलाना चाहिए, जरूरी है। वो ही तो बताएंगे कि लाइब्रेरी में क्या रिसोर्सेज हैं, कौन से रिसोर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे हैं। फिर हमने रिफॉर्म प्रोग्राम के अंदर लाइब्रेरियंस को ये कहा कि भाई आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है। उन्होंने कहा, किसी ने कहा मुझे सोशल स्टडीज पसंद है। हमने कहा अच्छा, आपको पता है कि सोशल स्टडीज का कितना कलेक्शन है आपके पास, कभी आपने उसको देखा है? हमने कहा नहीं। तो फिर हमने कलेक्शन रिव्यू का एक काम शुरू किया, कलेक्शन असेसमेंट का एक काम शुरू किया कि जो हम क्लास में पढ़ा रहे हैं उससे मिलता जुलता कलेक्शन भी है हमारे पास कि नहीं है। तो जो रिफॉर्म प्रोग्राम था बेसिकली उसका मकसद था कि एक तो लाइब्रेरियन का विजन अपने बारे में बेहतर करना, उनको यही बताना कि आप सिर्फ एक कोने में बैठ के एक चेक इन चेकआउट करने वाले, सर्कुलेशन का काम करने वाले नहीं है, बल्कि आप एक की एकेडमिक लीडर हैं इंस्टीट्यूशन के अंदर। आप उस इदारे के अंदर बिल्कुल उसी तरह के ओहदा रखते हैं या वकार रखते हैं जो एक टीचर रखता है, ठीक है ना। सो उस पर हमने बहुत काम किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लाइब्रेरियंस थे जिन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया था। इनको हमने कहानी सुनाना सिखाया, लाइब्रेरीज में कहकर कहानी सुनाते हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स देना सिखाया, और यही हमारे LIA स्कूल्स के अंदर जो बेहतर होना है वो यही चीजें होनी है कि हमारे LIA स्कूल्स के अंदर जो ये वाली स्किल्स हैं कि लाइब्रेरियन किस तरह से एक एक्टिव कॉन्ट्रीब्यूटर बन सकता है टू द लर्निंग प्रोसेस, सीखने सिखाने के अमल का, उसके अंदर वो कैसे अपने आप को और बेहतर कर सकता है, मुख्तलिफ तरह के एनालिटिक्स किस तरह से यूज कर सकता है लाइब्रेरी की परफॉर्मेंस बताने के लिए। सो ये एक रिफॉर्म प्रोग्राम था जिसका मकसद यही था कि हमने लाइब्रेरी की हैयत शक्ल के साथ साथ उसमें होने वाली प्रैक्टिसेस को बेहतर किया। जी सर, और सर आप यूथ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के फाउंडर भी हैं, तो इसमें सर ज़रा अपनी खिदमत के बारे में आप
नाज़रीन को बताया तो। जी, मैंने जैसे कहा कि मेरी जिंदगी में मैं बहुत खुशकिस्मत रहा हूँ कि मुझे ऐसे सुपरवाइजर्स या बॉसेस मिले जिनका ये मानना था कि मेरे अंदर वो सलाहियतें हैं जिसको मैं इस्तेमाल करके किसी भी नए प्रोजेक्ट पे काम कर सकता हूँ, चाहे मेरी उस पर ट्रेनिंग हो या नहीं हो। तो उसी सिलसिले में जब मैं हबीब यूनिवर्सिटी फाउंडेशन में आया था, जब उस वक्त यूनिवर्सिटी नहीं थी, फाउंडेशन थी, तो पहला प्रोजेक्ट था यूथ डेवलपमेंट का, जिसके अंदर नौजवानों के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया गया था कराची के, उन नौजवानों के लिए जो इंटर के बाद अपनी तालीम शायद जारी रख सकते हैं, जिनको शायद अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करने के लिए फॉरेन जॉब की जरूरत होती है। तो उस इंस्टीट्यूशन को पूरा स्टार्ट करवाना, उसमें टीम्स हायर करना, उसमें प्रोग्राम्स और कोर्सेज करवाना, उसकी मार्केटिंग प्रमोशन, ये सारे काम जो है वो करने की जिम्मेदारी मुझे दी गई। वो हमने एक गवर्नमेंट की एक बिल्डिंग ली थी जो बहुत खस्ता हालत में थी, उसको हबीब यूनिवर्सिटी ने, फाउंडेशन ने अपने वसाइल से उसको बेहतर किया, रिनोवेट किया, और फिर वहां पर ये चीजें होने लगी। खवातीन के लिए भी बहुत सारे कोर्सेज थे, और मकसद ये था कि इन बच्चों को न सिर्फ टेक्निकल स्किल्स, मिसाल के तौर पर वेब डिजाइनिंग या सेक्रेटरियल स्किल या फिल्म मेकिंग स्किल्स या कॉल सेंटर की स्किल्स सिखाई जाए, बल्कि उनको जॉब पे भी लगवाया जाए। और फिर उसी के अंदर हमने और प्रोजेक्ट्स लाना शुरू किए जो स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट की तरफ से थे, जिसमें हमने जो है वो उनको मदद की करियर काउंसलिंग के हवाले से, उनको मदद की कि अपना कारोबार कैसे शुरू करना है। सो ये सारा जो तजुर्बा था उस इंस्टीट्यूट में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स आते रहे, और हम मैं और मेरे साथ मेरी टीम मेंबर्स थे, वो हम इसका सारा को मैनेज करते थे और नौजवानों की मदद करते थे कि वो अपने आप को बेहतर करें। और उसमें भी एक कॉम्पोनेंट हर कोर्स में, चाहे बच्चा कोई भी कोर्स कर रहा हो, इसी पर था कि बेहतर कम्युनिकेशन कैसे करनी है, बेहतर प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, अपना जिंदगी का गोल कैसे सेट करना है, विजन कैसे सेट करना है, जिसको आजकल हम सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं, वो सारी चीजें जो है वो हम वहां पर नौजवानों को उन क्लासेस के साथ ये भी सिखाते थे। जी सर, अगर आप हबीब यूनिवर्सिटी और बाकी जामियात जो सिंध की होगी या कराची की होगी, उनको और अपनी यूनिवर्सिटी को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, या आपकी लाइब्रेरी उनसे कैसे स्टैंड आउट करती है, इसके बारे में थोड़ा सा करैक्टरिस्टिक्स आप बताइए। देखें, हाँ देखें, डिफरेंशिएट और कंपेयर करना ज्यादती होगी क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी 5 साल में बने हुए, लेकिन जो विजन है वो बहुत क्लियर है अभी यूनिवर्सिटी का कि उनको क्या डिलीवर करना है इन टर्म्स ऑफ अगेन उनके ग्रेजुएट्स के लिए। अभी यूनिवर्सिटी का शुरू से विजन रहा है कि वो वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन बने, और उसके लिए अपनी जो है वो सारे जो सिस्टम्स है उस हिसाब से उसको सेटअप करें। सो इसलिए कंपेरिजन या डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है। हबीब यूनिवर्सिटी का क्योंकि बहुत इंटरेस्ट है इन चीजों में कि नए से नए लर्निंग रिसोर्सेज भी स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस करवाए थे, उनकी मदद के लिए, मामलत के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स करवाए थे। सो लाइब्रेरी भी उस हवाले से एक हमारे यहाँ एक यूनिक स्पेस है। और जैसे मैंने आपको बताया कि लाइब्रेरी का डिजाइन हमने ये सोच के किया था कि बच्चे कैसे सीखते हैं, ठीक है ना। एक तो होता है कि हमने आर्किटेक्ट को बता दिया कि भाई लाइब्रेरी बनानी है, उसने बना दी अपने हिसाब से, हमने आर्किटेक्ट को जाकर बताया कि हमें ऐसी लाइब्रेरी चाहिए। आर्किटेक्ट ने कहा ऐसी लाइब्रेरी पाकिस्तान में कहाँ है, मैंने कहा नहीं है, जब भी तो हमें बनानी है क्योंकि हम 21वीं सदी की लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं। सो बाकायदा उन आर्किटेक्ट को फिर 2-3 इंटरनेशनल लाइब्रेरीज के दौरे करवाए गए, उनको समझ में आया कि लाइब्रेरीज जो 21वीं सदी की होती है वो कैसी होती है। अलहमदुल्ला वो डिजाइन के हवाले से ये इस तरह का डिजाइन है। आज मेरा दिल चाहता है मैं अकेले बैठ के मुताला करूं, तो हमने स्पेस बना दी जिसमें हम अकेले बैठ के मुताला कर सकते हैं। आज मेरा दिल चाह रहा है मैं ग्रुप प्रेजेंटेशन पे काम करूं, मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, क्लास फेलोज हैं, हमने ग्रुप प्रेजेंटेशन की स्पेस बना दी। आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं जो है वो शोर शराबे में बैठ के स्टडी करूँ, तो वो स्पेसेस इस तरह से डिजाइन है कि जिसमें उनको लगता है कि वो एक ऑफिस इन्वायरमेंट बैठे हैं जहाँ पर वो काम भी कर रहे हैं और उधर से शोर शराबा भी हो रहा है। सो आज मेरा दिल चाह रहा है मैं फैकल्टी से मीटिंग करूं जिसमें थोड़ा बहुत स्नैक्स भी हो, खाना पीना भी हो, वो ऑप्शन भी हमने इसको दिया। सो कहने का मकसद है कि स्टूडेंट कैसे सीखते हैं उसको ध्यान में रख के लाइब्रेरी को डिजाइन किया गया। सो लेकिन अगर हम वैसे बात करें, हमारा इंस्टीट्यूशन बहुत छोटा इंस्टीट्यूशन है, हमारे पास तकरीबन 950 स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास प्रोग्राम इस वक्त 4 प्रोग्राम्स हैं जो हम ऑफर कर रहे हैं, तो इस हवाले से हमारे पास बहुत गुंजाइश है चीजों को करने की, नए आइडियाज को टेस्ट करने की। और हम नए इंस्टीट्यूशन है इसलिए हम बहुत कुछ टेस्ट भी करते हैं, तो इसलिए कंपेयर करना मुश्किल है। बहुत अच्छी लाइब्रेरीज हैं और पुरानी लाइब्रेरीज भी हैं, और बहुत बड़े बड़े
नामवर लाइब्रेरियंस हैं, जैसे मैंने कहा उनमें से कुछ मेरे अपने उस्ताद भी हैं, तो उनको अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे लिए टाइमिंग टाइमिंग वॉज इम्पोर्टेंट, जिस टाइम पे अभी यूनिवर्सिटी बनी उस पर डिमांड ये थी हमें इस तरह की लाइब्रेरी चाहिए। जी सर, तो पाकिस्तान में लाइब्रेरियंस की ट्रेनिंग का बड़ा फुकदान है, तो इस पे कब तक तवज्जो दी जाएगी और कैसे इस चीज़ को ला सकते हैं हम के अच्छी ट्रेनिंग करवाई जाती है लाइब्रेरियंस की, क्योंकि लाइब्रेरियंस को इतना अच्छा डील नहीं करते स्टूडेंट्स के साथ ना, किसी भी लाइब्रेरी में आप चले जाएँ मैक्सिमम जो लाइब्रेरियंस होते हैं वो काफ़ी रूड बिहेवियर होता है उनका, तो इस तरह की चीज़ें अपनी मैं एग्जाम्पल देता हूँ। एक दफ़ा मेरा लाइब्रेरियन साहब से वास्ता पड़ा तो मैंने कहा सर पैक आप बता दें किधर है, कहते बेटा वो पैक आसमान पर है। तो सर अजीब अजीब से मतलब रवैये होते हैं, तो इसमें आप क्या कहेंगे, क्योंकि सर जो किताबी बातें हैं ना जो लेक्चर्स के दौरान हम सुन रहे होते हैं लाइब्रेरी साइंस के फील्ड का, सर बड़ा अजूबा लग रहा होता है, लेकिन जब सर रियल लाइफ में या लाइब्रेरी में जाते हैं तो वो लाइब्रेरियन का बिहेवियर ही ऑलमोस्ट वर्ल्ड ही चेंज हो जाता है पूरा, इस पर सर आप क्या कहेंगे। आप खुद स्टूडेंट हैं लाइब्रेरी साइंस के, आपने कर लिया लाइब्रेरी साइंस? जी सर मैं MLIS का स्टूडेंट हूँ सर, कौन से ईयर में आप? मैं सर सेकंड सेमेस्टर में हूँ MLIS। अच्छा, सो अगर मैं आप ही से पूछूं कि आपकी क्या राय है, किस चीज आपने जिसकी तरफ इशारा किया, आपको लग रहा है कि ट्रेनिंग का फुकदान है, लेकिन आपको क्या लगता है कि इसकी इसकी रूट कॉज क्या है, इसकी जो बुनियादी वजह है वो क्या है, आपके ख्याल में? सर एक्चुअली मुझे जहाँ तक नज़र आता है कि ऐसे होता है कि सर अब किसी कोई एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गया तो वो सर बस अब इस चीज़ पर मैटर करता है कि मैंने अपनी 60 साल या 65 साल जब तक उम्र है तब तक बस गुजारा करना है, अब वो सॉरी टू से कि किसी का बाप भी मुझे कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो इस तरह के सर उनका एटीट्यूड होता है, तो फिर वो चेक एंड बैलेंस कोई है नहीं, कोई पूछने वाला होता नहीं है, तब वो फिर इस तरह का बिहेव कर रहे होते हैं। ट्रेनिंग सर मतलब कोई इतना पास उन्हें चेक एंड बैलेंस किया नहीं जाता चीफ लाइब्रेरियन या दूसरे सीनियर लाइब्रेरियन की तरफ से कि वो अच्छे तरीके से, आप यूट्यूब पे सर देख लें अगर किसी लाइब्रेरियन का आपने रोल चेक करना हो तो वो जैसे एक बच्चे को हम चीज़ समझा रहे थे सर उनके लाइब्रेरियन इस तरह बिहेव कर रहे हैं, पर हमारे लाइब्रेरियन लाइब्रेरियन सर बिल्कुल दूसरे वर्ल्ड की कहानी है। हाँ, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि आपको क्या लगता है इसकी वजह क्या है, आपके ख्याल में? सर वही मैं कह रहा हूँ ना कि एक बार उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिल गई है उसके बाद वो इस चीज़ को छोड़ देते हैं कि ना उनसे कोई पूछ रहा है कि आप क्यों ऐसा बिहेवियर रख रहे हैं अपने जो आप पैटर्न आ रहे हैं लाइब्रेरी में, मतलब उन्हें सर कोई चेक एंड बैलेंस वाला वो नहीं है सिनेरियो, जिस वजह से मेरे ख्याल से वो नहीं करते इस चीज़ को। सो आपको लगता है कि चेक एंड बैलेंस अच्छा हो जाएगा तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी? प्रॉबेबली सर सही, हाँ ये भी एक तरीका है, लेकिन इसमें ना दो एटीट्यूड्स भी हैं। मैं आपको करियर काउंसलिंग की एक मिसाल देता हूँ कि मुझे नहीं पता उसका इस बात से ताल्लुक बनता नहीं, लेकिन मेरे ध्यान में एग्जांपल आ रही है। हम एक इंटीरियर इनके किसी गांव में गए थे, वहाँ हम नौजवानों को बुलाकर इनफरादी करियर काउंसलिंग कर रहे थे, वन ऑन वन करियर काउंसलिंग। तो एक स्टूडेंट आया मेरे पास सिंध यूनिवर्सिटी का, और मैं ये जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं एग्जाम्पल शेयर कर रहा हूँ। हर स्टूडेंट मुनफरिद है, हर स्टूडेंट्स के अपने ख्वाब हैं, अपने गोल्स हैं, लेकिन ये स्टूडेंट मुझे याद है इसलिए कि इसने जो बात की थी वो मुझे बड़ी अजीब सी लगी। तो मैंने उससे पूछा जी मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, तो उसने कहा सर मैंने MA किया सोशल साइंसेज में, मुझे जॉब की तलाश है। तो मैंने कहा जॉब्स तो बहुत सारी हैं, कहने आप किधर है जॉब, मैंने कहा है ना NGO सेक्टर में है, प्राइवेट सेक्टर में है, तो बहुत सारे इदारों को जानता हूँ उनके पास बड़ी जॉब्स हैं। तो उसने कहा नहीं नहीं सर नौकरी ये नहीं होती, नौकरी तो गवर्नमेंट की होती है। मैंने कहा अच्छा तो सर कुछ करें ना, मुझे अगर पट्टे वाले की यानी पियोन की नौकरी मिल जाए ना तो मैं तैयार हूँ गवर्नमेंट जॉब करने के लिए। तो मैंने कहा अगर आपको पियोन ही बनना था तो फिर आपने MA क्यों किया भाई सोशल साइंस में, सही? सो एक तो ये वाला डिस्कनेक्ट है, मुझे अंदाजा है जॉब सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर, वाकई चैलेंजेस बहुत होते हैं और उसमें जॉब सिक्योरिटीज। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि जब मैं वो स्किल्स लेके निकलता हूँ, एजुकेशन लेके निकलता हूँ, तो मुझे ये क्यों नहीं समझाया जाता कि मेरा काम लोगों की जिंदगियों पर असरअंदाज होना है, ठीक है, लोगों की जिंदगी को बेहतर करना है।
और उसको बेहतर करने के लिए मेरे से ये एक्सपेक्टेशन की जाती है कि चाहे मैं गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ चाहे मैं प्राइवेट सेक्टर में, मैं अपने हिसाब से वो काम जरूर करूँ। ठीक है, मैं अभी बीच में सोच रहा था कि मैं एक आर्टिकल लिखूं कि हमारे सूबे सिंध के बहुत सारे लाइब्रेरीज जो कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं उनको नौकरियां मिली हैं अभी गवर्नमेंट सेक्टर में, कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो मैं उनको उनके लिए एक नाम एक खत लिखना चाहता था कि आप क्या कर सकते हैं। सारे नौजवान हैं माशाल्लाह, बाबे भी नहीं है जिसको ना बड़ी एज वाले नहीं तरह के, वो क्या कर सकते हैं ऐसी चीजें कि जो बिल्कुल वसाइल ना हो फिर भी मुमकिन है लाइब्रेरी होते हुए। एक तो होता है ना मेरे पास एक लाइब्रेरी हो, बैठने की जगह हो, शेल्फ हो, एक स्पेस हो, नहीं है मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट कॉलेज जिसमें आप जा रहे हैं, आप उसके बावजूद भी क्या कर सकते हैं। सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो लाइब्रेरियनशिप एज ए सर्विस का कॉन्सेप्ट है, ये खिदमत है लोगों की, उसको बहुत जिस हद तक मुमकिन हो, जितने लोगों तक मुमकिन हो उसकी उसमें उनको समझने में मदद की जाए, उनको इस बात के लिए राजी किया जाए कि वो इस सर्विस को सर्विस के तौर पर करना सीखें। दूसरा जो आपने पॉइंट आउट किया, मैंने कहा ना कि देखिए जिस तरह से आपने मुझसे पूछा कि लाइब्रेरियनशिप मेरी चॉइस थी या नहीं, तो हो सकता है बहुत सारे लोग भी हमारे पास ऐसे हैं जिनकी लाइब्रेरियनशिप पहली चॉइस नहीं थी। ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी चॉइस नहीं थी लेकिन वो जब लाइब्रेरी के इन्वायरमेंट में उन्होंने उस चीज को समझा, उस जिम्मेदारी को समझा, उसको करना शुरू किया। बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी भी समझते हैं कि नहीं मेरे लिए चॉइस नहीं थी तो मैं इसे इतना ध्यान क्यों दूं। सही, तो इसलिए चेक एंड बैलेंस का सिस्टम बिल्कुल एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा अच्छा बेहतर ऑप्शन ये है कि अगर मैं एक चीफ लाइब्रेरी हूँ तो मैं कोशिश करूँ कि मेरे जो टीम मेंबर्स हैं उनको मैं अंडरस्टैंड करूँ पहले, उनके साथ बैठकर उनसे बात करके उनके जिंदगी के प्रायोरिटीज पर बात करके, उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है उस पर बात करके, वो कैसे हम मिलकर एक प्रॉपर विजन बना सकते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम मदद करें। देखिए मैंने प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत थोड़े अरसे के लिए काम किया, और मेरी जो हमेशा से एक मुझे खुशी मिली है कि मैंने गवर्नमेंट में कॉम्पिटेंट लोग देखे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वहाँ इनकॉम्पिटेंट लोग होते हैं, और काम करने वाले लोग देखे हैं, और उसमें एक पियोन भी शामिल है जो काम करना चाहता है और ईमानदारी से काम करना चाहता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी अच्छी मिसालें अगर सामने लाई जाएं तो हो सकता है कि उन मिसालों से बहुत सारे लोग इंस्पायर होके जो हो अपने काम को शायद बेहतर कर सके। लेकिन ये मसला मैंने कहा ना कि शायद अंदर से भी है कि क्या वाकई मैं इस सर्विस को दूसरों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ, उस पर काम करके शायद कुछ बेहतरी लाई जा सके। जी, तो मैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ कि आजकल सर बड़ा हॉट डॉग इशू बना हुआ है कि ये ई लाइब्रेरी सर जो सर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था आज से कुछ हफ्ता पहले, उनके लाइब्रेरियंस को सर निकाला जा रहा है। तो जी हाँ TLA हाँ सर वही किरदार अदा कर रही है, अदा करती है, ये शुरू से के उर्दू का एक मुहावरा है कि अपनी बोटी के लिए दूसरे का बकरा ज़िबा कर देना। तो सही, TLA तो सर यहाँ पे ऐसा रोल अदा करती नजर आ रही है, तो आप क्या समझते हैं सर कि इन लाइब्रेरियंस की जॉब्स बचनी चाहिए या जैसे गवर्नमेंट चाह रही है कि इन्हें कि ये किसी काम के नहीं है, बिला वजह पे इतना पैसा लगा के हमने जो बिल्डिंग खड़ी की थी वो फजूल है, इसके बारे में आप क्या समझते हैं? आपने थोड़ी देर पहले एक सवाल मुझसे लाइब्रेरी की ट्रेनिंग का फुकदान का ही पूछा था, तो मैं थोड़ी उस सवाल में एक ऐड करना चाहता हूँ। देखिए ट्रेनिंग्स बहुत हो रही है पाकिस्तान में, मुझे लगता है ट्रेनिंग्स का फुकदान है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे क्या सीखना है ना मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ एज ए लाइब्रेरियन। प्राइवेट इदारों में भी और बहुत सारे गवर्नमेंट इदारों में हर साल ACR होती है, परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, इसमें बताया जाता है कि अब आपको ये चीजें बेहतर करनी है अपने अंदर। सो ट्रेनिंग्स तो बहुत हो रही है लेकिन ट्रेनिंग का एक विजन नहीं है कलेक्टिव, सही ना। सो वो कलेक्टिव विजन जो भी इदारे हैं जो के प्रोफेशनल ग्रुप्स हैं जो लाइब्रेरीज के कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज कर रही हैं, उनका ट्रेनिंग का विजन जरूरी है। मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मिसाल मुझे तो किसी ने सिखाया कि मैनेजर बनना कैसे होता है, मैं तो शायद अपने मैनेजर को देख के सीखा, हो सकता है 10 गलत चीज भी सीख ली उनको देख के। मुझे किसी ने ये नहीं सिखाया कि टीम में कैसे काम करना है, सही ना। सो मुझे किसी ने शायद ये नहीं सिखाया कि मिसाल के तौर पर प्रपोजल कैसे बनाने हैं, बजट कैसे बनाने हैं, तो मैंने कर करके सीखा ना काम। सो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेनिंग्स बहुत हो रही है लेकिन उसके साथ एक विजन का होना जरूरी है, और उस विजन को पर्सनल लेवल पे और इदारा जाती लेवल पे रखना जरूरी है। मेरे इदारे में जैसे मैं अभी यूनिवर्सिटी में अपनी लाइब्रेरी स्टाफ के साथ काम करता हूँ, तो मुझे एग्जैक्टली पता है
कि किस किस को किस तरह की ट्रेनिंग से फायदा होगा उसके अपनी जिंदगी में भी और काम के अंदर। तो ये बहुत जरूरी है कि मैं अपने आप को जांचूं पहले कि मैं क्या सीखना चाहता हूँ, ठीक है, और उसके बाद फिर मैं उसके लिए रास्ते तलाश करूँ। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने अपनी जिंदगी में सीखी है, हमारे बहुत कम LIS प्रोफेशनल और स्टूडेंट्स खुद ऐसे हैं जो अपने उस्ताद बनाना चाहते हैं प्रोफेशनल लाइफ में किसी को। उनको यूनिवर्सिटी के टीचर्स तो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत पसंद है, उनके फेवरेट्स भी हैं, प्रोफेशनल लाइफ में कौन उनके उस्ताद बन सकते हैं, ठीक है। मुझसे आप पूछें तो मेरी जिंदगी में मेरे प्रोफेशनल लाइफ के उस्ताद ही थे जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, ठीक है, यूनिवर्सिटी के अंदर भी सीखा, लेकिन उनसे ज्यादा असल चीज जिंदगी की, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं मेंटोर बनाना, सही। तो अगर हमारे LIS के स्टूडेंट्स को ये समझ में आ जाए कि प्रोफेशनल जिंदगी में ये वाला बंदा इस काम में बहुत माहिर है, अगर मैं उससे जुड़ जाऊं और वो बंदा मुझे सिखाने के लिए राजी हो जाए तो क्या बात है, ठीक है। क्योंकि LIS स्कूल्स के हवाले से एक और काम जो बेहतर होना है वो ये होना है कि प्रोफेशनल्स को अंदर टीचिंग के अंदर बुलाया नहीं जाता है, ठीक है ना। जिस तरह बहुत सारी फील्ड्स होती हैं जिसमें लोग प्रोफेशनली काम करते हैं, MBA के प्रोग्राम में जॉब कर रहे होते हैं और वो जो है वो आकर पढ़ाते भी हैं। तो LIS के अंदर भी इस चीज की जरूरत है कि किस तरह से हम इनको इंडक्ट कर सकें। PLA के किरदार पे जो आपने बात की, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कलेक्टिव एफर्ट है, लाइब्रेरीज ये सबको मिलके काम करना है। और इसमें जो मुझे याद है अच्छी तरह से, जब हमने भी हबीब यूनिवर्सिटी में आगा खान स्कूल में काम किया, हमने बहुत ज्यादा इस पर जोर दिया कि हम अपने काम को दिखाएं, मार्केटिंग करें उसकी। सो हम हबीब यूनिवर्सिटी में इंफोग्राफिक्स बनाते हैं, हर साल कितनी लाइब्रेरी इस्तेमाल हुई, कितने लोगों ने डिस्कशन रूम इस्तेमाल किया, हमने रैपिंग सर्विसेज कितने लोगों को दी, हमने रिसर्च रिलेटेड सपोर्ट कितने लोगों को दी, हमने डाउनलोडिंग कितने हुए आर्टिकल्स, हम पूरा एक बात तस्वीर फॉर्म में दिखाते हैं और बनाते हैं। मकसद ये कि पता चले कि हमने ये काम किया है और हमारी वर्थ है। इसी तरह से मैंने ई लाइब्रेरी के हवाले से भी मशवरा दिया था कि अगर हमारे पास कोई इस तरह की वीडियो हो, इस तरह का हमारे पास डेटा हो जो दिखाए कि ई लाइब्रेरी से लोगों की जिंदगी में क्या फर्क पड़ा है, और वो जो लाइब्रेरियंस वहाँ काम करें अगर वो एफर्ट करें और उसके अंदर वो अपने साथ उन लाइब्रेरीज के यूजर्स को भी दिखाएं उन वीडियोज के अंदर ला, तो एक बड़ा एक इम्पोर्टेंट ये वाला काम हो सकता है इसको सर PLA के साथ मिलकर। दूसरा जो काम इसमें हो सकता है कि जिस इलाके में वो लाइब्रेरी बनी थी, क्या उस इलाके के लोग मिलकर कुछ कर सकते हैं उस ई लाइब्रेरी को जिंदा रखने के लिए। हो सकता है उसमें कुछ मुखिया हजरात हों, ठीक है, जो कि उस ई लाइब्रेरी को सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो लाइब्रेरियन अगर इतना अवेयर है जहाँ वो काम कर रहा है, उसके कॉन्टेक्ट है लोगों से, उसका नेटवर्क है लोगों से, उसकी लाइब्रेरी में लोग आते हैं, उसको अच्छी तरह जानता है, तो ये एफर्ट भी की जा सकती है PLA के एफर्ट के साथ साथ, जो PLA अपने हवाले से कर रही है एफर्ट। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा लाइब्रेरियन को और इसमें, क्योंकि अमेरिका में दूसरे ममालिक में लाइब्रेरियन का बड़ा सेंट्रल रोल होता है इन चीजों के लिए भी, कि अपने लिए फंड भी खुद ला रहे होते हैं बहुत सारे पब्लिक सेक्टर के लाइब्रेरियंस। तो क्या इस तरह की कोई एफर्ट मुमकिन है PLA के प्लेटफॉर्म से या इस प्रोजेक्ट के प्लेटफॉर्म से या इंडिविजुअल लाइब्रेरीज के प्लेटफॉर्म से, कि जहां पर उनके यूजर्स को किस तरह से इकट्ठा किया जाए, उनके यूजर्स को लाया जाए सामने और बताया जाए कि भाई देखें ये हमारे लिए जिंदगी है लाइब्रेरी, शायद हो सकता है कि कुछ बेहतरी। और जैसे मैंने कहा कि ये जितने भी लाइब्रेरीज, माशाल्लाह 100 लाइब्रेरीज में काम कर रहे हैं, सब कॉम्पिटेंट हैं, सबके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, सब बड़ी जबरदस्त सर्विस दे रहे हैं, तो इसलिए वो एक बहुत अच्छा रिसोर्स है जिसको किसी तरह से भी जाया नहीं करना, मेरे हिसाब से अच्छा नहीं होगा जाया करना। जरूर उनको क्यों नहीं, अगर ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वापस क्रिएट होती हैं या अगर कंटिन्यू होती है तो उन्हीं को ये मौका देना जरूरी, इससे कि उनके पास तजुर्बा है। सो लाइब्रेरी जो पब्लिक लाइब्रेरी ना, वो कम्युनिटी का सेंटर है, अगर कम्युनिटी मुतहरिक हो जाए तो फिर बहुत कुछ किया जा सकता है, उसमें लाइब्रेरी का बड़ा अहम किरदार है मेरे ख्याल से। जी सर, चलो सर, थैंक यू वेरी मच, आपने अपने कीमती टाइम में संभाल लिया, टाइम निकाला, बड़े मशहूर हैं सर हम आपके, तो आपका भी बहुत चीज़ में शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू, और इंशाल्लाह कभी भी आपको कोई मदद की जरूरत हो तो मैं हाजिर हूँ, जरूर बताइएगा, आप, मैं थैंक अवेलेबल यू, हूँ, आपको कोई हेल्प चाहिए, आपको कुछ मुझे सिखाना हो उसके लिए भी मैं अवेलेबल हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है जी, जी अपना तो ख्याल नाज़रीन, ये रखिएगा, था बहुत हमारा, शुक्रिया। वेलकम सर, जी तो नाज़रीन, ये था हमारा नूरुद्दीन मर्चेंट साहब के साथ आज का इंटरव्यू। अभी अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और
बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाले मजीद वीडियोस को आप मिस ना कर सकें। जी मान अल्लाह। हो गया सर।